वो आलम भी अजब होगा, वो ऐसे में करीब है कि मेरी। इस तरीके से अगर राइड होती है तो इस राइड को 30 किलोमीटर तो ना कर पाएंगे भाई साहब। ये देखो राइडर्स इधर राइट लेफ्ट सब तरफ राइडर्स ही राइडर्स हैं। सब लोग ये राइडर्स पीछे पीछे आते रहेंगे, हम लोग लीड कर रहे हैं राइड को। क्या आगे वाले कैसे निकल रहे हैं यार, कैसे चल रहे हो यार लोग। ये बताओ कैसे ये लोग चल रहे हैं, एक हम लोग चलते हैं बिल्कुल एक लाइन में चलते हैंगे। और ये देखो एक दो फिर उसके बाद भी तीसरी भी एक लेन बन गई जबरदस्ती की। पीछे भी अगर आप लोग देख पा रहे हो शायद मिरर में सब हैपहैजर्ड हो रखा है। अरे भाई को बुरा मन गए, यहीं से घूम गए हो तो। राइड छोटी सी है अपनी, बस एक तरीके से कहा जाए तो वीडियो शूट वगैरह करने के लिए बनाई गई राइड। इस तरीके से अगर राइड होती है तो इस राइड को 30 किलोमीटर तो ना कर पाएंगे भाई साहब। कोई लाइन से चल ही नहीं रहा है, सब इधर से उधर भाग रहे हैं। और मतलब ठीक है क्रूज़र बाइक वाले जो है ना उनका चलने का तरीका अलग होता है, स्पोर्ट्स बाइक वालों का चलने का तरीका अलग ही होता है, तो मैं इस पर कुछ कहूँगा नहीं, जो है अपना ठीक ही है। हम लोग यही सीन है कि अगर सामने वाला स्लो चल रहा है तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम आगे निकल जाएं उससे, जैसा जो चल रहा है चलते रहने देते हैं, क्योंकि लॉन्ग राइड में यही सब चीज़ें मैटर करती हैं। वैसे हम लोग की किस्मत अच्छी थी कि जो रास्ता था वो साफ सुथरा मिला, बिल्कुल सन्नाटे वाला मिला,
फिर भी ठीक ठाक राइड हो गई। अब जब ये इवेंट मेन इवेंट जब होगा ना, तब देखने वाला होगा, तब राइडर्स होंगे बहुत सारे, एंड देन इट विल बी फन। यस इट विल बी फन। इंडिकेटर बोल रहा है भाई, वो बंद कर ले, चलाए पड़ा है भाई साहब, इंडिकेटर जल रहा है तो बस जल रहा है। अबे इंडिकेटर इंडिकेटर नहीं बंद कर पाएगा वो। नाइट इज अबाउट टू एंड, और यहीं से हम लोग ने स्टार्ट करी थी, यहीं पे हम लोग राइड को एंड भी करेंगे। मुझे लगता है बाइक्स अंदर ही पार्क करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर परेशानी हो जाती है बाद में, अगर रोड पे खड़ी करते हैं तो राइडर्स बहुत सारे हैं, बाइक बहुत सारी हो जाएंगी। ये जो राइड है, ये बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने अपने चैनल्स पे पोस्ट करेंगे ज़रूर, तो मुझे इंतज़ार रहेगा आज वीडियोस का। यहाँ पे हम लोग को बस हो जाना है, अभी एक बार आप लोग दिखाएंगे सारी बाइक्स, कौन कौन सी बाइक्स आई हुई हैं, एक बार फिर आई शो यू ऑल। ओके सब लोग वापस आ गए हैं, और इधर देखो बस लाइनअप दिखाता हूँ कैसा लाइनअप है। BMW, एक और BMW, तीन तीन ये नहीं चार चार BMW हो गई, सामने भी हैं। ठीक है, तो एक BMW का भी एक ग्रुप है पूरा, जो यहाँ से स्टार्ट होता है ये वहाँ तक है। या RR 310, या दिस इज नाइस बाइक मैन। अभी जो लेटेस्ट आई है उसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया अपडेट्स हैं, तो ABS कह रहा हूँ, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह भी अब दे दिया है। पहले RR 310 में नहीं था क्रूज़ कंट्रोल, लेकिन अब जो लेटेस्ट वाले उसमें आ गया है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, तो इफ़ आई गेट माई हैंड्स ऑन इट। चलो बस यहाँ पे हम लोग छोटा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड देन वील मूव बैक होम। भैया को गाना अच्छा लग रहा है। तो ये मेरे सभी राइडर्स भाइयों के लिए ये सॉन्ग स्पेशल। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में सब अल्लाह कैसा, मेरी कसम जो लहराती डगरिया हो तो ऐसे क्यों चलू मैं बहका बहका रे, मेरा जीवन में ये शमाई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो चला जाता हूँ किसी
सुने धड़कते दिल के तराने लिए। ये सॉन्ग हम लोग ने भी फील किया था जब हम लोग भी गए थे भाई, हर हर राइडर्स का तीर सिस्टर लद्दाख उन पहाड़ियों पे, क्योंकि कोई और होता नहीं, बैठक होता नहीं है, तो उस समय सिर्फ एक ही चीज होती है वो आपके और आपके आपके सदाबहार गीत। वो आलम भी अजब होगा, वो ऐसे में करीब आएगी मेरी कसम, कभी मैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे बहाने लिए तो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रजनीश भाई की तरह से 5000 रुपए का पुरस्कार। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे मेरी कसम, फुलेलों में भरे काजल घूंघट खोले, खड़ी है मेरे आगे रे शर्म रे बोझल, झुकी पलकों में सवार रातों में फंसाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आँखों में हजारों सपने सुहाने लिए तो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 भास्कर सर के लिए बलवरदार ताली आ जाइए। अरे वो पीछे आपके पहचान गए। अच्छा तो एक बार हनी सिंह सुबह सुबह 4 बोतल उठता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पहले बज रहा है भाई, कोई फरमाइश हो तो बता सकता है। टूटे हुए दिल वाला कोई गाना नहीं बोलेगा, सिर्फ बाइकर से रिलेटेड बोलो जो बाइकर्स को एकदम फील करता है वो वाला गाना। हाँ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे भाई। बस जोरदार तालियां हो जाए किशोर दा की। और ये आपको शायद याद होगा रॉयल एनफील्ड ही थी, तो रॉयल एनफील्ड वालों के लिए जोरदार तालियां भाई। हमें बता दो भाई रॉयल एनफील्ड वालों के लिए। और आपको बता दो उस समय भी कैस्ट्रॉल यूज होता था। इसमें सब गाएंगे क्योंकि इसमें सबको लाइनें याद होंगी, ठीक है सब गाएंगे भाई। कोई आईफोन वाला वीडियो बना लो बाद में देखना है। लद्दाख जाना नेट नहीं आएगा, हमें ले चलना, हम सुनाएंगे हंसाएंगे और बुलाएंगे भी। भाई सब लोग साथ दें भाई। ये लाइन यूट्यूबर के लिए, जब वो राइड पे जाता है लौट के आता है ये लाइन उसके लिए, ये लाइन उसके लिए ध्यान देना। यूट्यूबर जब एक अच्छी वीडियो बनाता है उसके लिए। मरना जीना साथ है, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, जोरी जिंदगी।
रही ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे गम्मत तेरा साथ ना छोड़ेंगे ये भाई सब लोग साथ दे कितना अच्छा माहौल बनाया है सर ये जो हाथ में आपने साथ पकड़ा हुआ है सबको दे दीजिए अभी सब साथ देंगे दीजिए भाई दीजिए कौन कौन तुम मेरे गाएगा हाँ साथ में साथ में छोड़ के निकल कोई साथ देगा कोई मैं साथ देगा कोई और साथ देने वाला नहीं भास्कर साहब पीछे खड़े हैं आगे तो आइए आप एक और गाना क्योंकि उसके बाद हमारा आ जाएगा खाना तो अभी खाना आने में थोड़ा टाइम अच्छा, आपके गाने सुन रहा ठीक है तो ये जो सॉन्ग है ये समझो एक बाइकर के लिए बहुत अच्छा है जब वो नया नया वो स्प्लेंडर कुछ कैस्ट्रॉल के लिए भी तो कह दीजिए वही वही समझा कुछ स्प्लेंडर कोई पल्सर ये टाइप की बाइक लेता है फिर उसके मन में आता है कि मुझे भी कुछ एकदम स्पोर्ट्स बाइक चाहिए अच्छी बाइक चाहिए उसके लिए ठीक है ये सॉन्ग उसके लिए कुछ लोग पल्सर से आए हैं हाँ तो जिनका सपना है ना क्योंकि लद्दाख जाने के लिए थोड़ा तो बदलना पड़ेगा तो ये उनके लिए मेरे सपनों की रानी कब आएगी सर माइक उनको दे दीजिए गाने हमारे साथ गाएंगे दीजिए माइक दीजिए माइक क्या सॉन्ग है भाई बड़ा फीलिंग भाई भाई की आवाज़ तो बहुत ही अच्छी थी और पहले तो मुझे लगा कि जो है कोई बजा रहा है मतलब गाना ऐसे स्पीकर वगैरह पे लेकिन बाद में समझ में आया खाली इंस्ट्रूमेंटल चल रहा है और गाना गाने वाले भाई कोई और हैं चलो चलो भाई लोग निकलते हैं हम लोग अपने अपने घर बाकी लोग निकल जाएंगे धीरे धीरे सब कुछ सिमट गया है और भाई का गाना सुन के अच्छा लगा हमें तो यार वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक तो कर ही सकते हैं वीडियो को ऑलराइट बाय बाय एंड टेक केयर